नमस्कार आदाब, मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। महिला एवं बाल समुदाय शौचालय ग्राम पोस्ट कोटहा विकास खंड उरुआ प्रयागराज का है। यहाँ के प्रधान हरिश्चंद प्रजापति हैं। देखिए किस प्रकार से इन्होंने विकास किया है, देख रहे हैं ऊपर से पूरी डेंटिंग पेंटिंग है और अंदर का कोई भी माजरा हमें नहीं लग रहा है कि ठीक है। देखिए फर्श टूटा, अभी पूरा काम पेंडिंग में है। ये देखिए कुछ नहीं है, इसमें टाइल का प्रबंध नहीं हुआ है। इसमें ये देखिए बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी है कोटहा का, इसे रिहायशी बना दिया गया है। पंचायत भवन है, पूरा निर्माणाधीन पे है, देख रहे हैं अभी अधर में लटका हुआ है। हाँ प्रधान जी, जानते हैं आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद अली। अच्छा, प्रधान जी का क्या नाम है? हरिचंद। अच्छा, आते हैं? हाँ आते हैं। आते आप लोगों को आवास नहीं दिया गया? नहीं, आवास नहीं मिला है। आवास नहीं दिए? आवास में लैटरिन कुछ है। अच्छा, लैटरिन भी नहीं दिए? कुछ। अनाज वनाज मिलता है? कुछ नहीं सर, तो अनाज मिलता है। देखो जो कहना है अनाज मिलता है, उस पर भी 3 किलो 4 किलो कट हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है वो कोटेदार का? गुंडा भोलानाथ। भोलानाथ, भोलानाथ। आपका नाम? फजलू खान। अरे लगाई मैंने, मतलब आपको अनाज में भी घटतौली का ही सामना करना पड़ा। मिलती है? पेंशन मिलती है? मिलती है। चार साल हरिश्चंद प्रजापति ग्राम सभा कोटहा उरुआ इलाहाबाद। तो आपने अभी आपने अपना 5 साल पूरा करने जा रहे हैं, आप अपने गांव के लिए क्या अचीवमेंट किया? अरे कई चीजें, जैसे पंचायत भवन, सुलभ सार्वजनिक शौचालय, नाली खड़ंजा, पूरे बस्ती में शौचालय, ये सब काम हुए हैं। और कुछ हैंडपंप्स पानी के, कुछ हैंडपंप भी लगवा दिए हैं लगभग 50-60 लोग। वृद्धा पेंशन योजना के लिए? वृद्धा पेंशन भी बन गए हैं लगभग 50 शुगर है। अच्छा, लोगों को अनाज का क्या सुविधा दी? अनाज को तो सरकार सिस्टम रखती है ना, तो अनाज ऐसा बात कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा है कि उन्हें नहीं मिल रहा है। अच्छा, और आवास में? आवास तो अभी जितना आया था वो सब मिल चुके हैं, अब आवास प्लस आने वाला है, जिसका बाकी है वो मिलेगा। अच्छा, कहने का मतलब आपने गवर्नमेंट के पैसे का, पंचायत भवन है पूरा निर्माणाधीन पे है, देख रहे हैं अभी और कुछ अधर में लटका हुआ है। कुछ अपील है आपकी? डिमांड है, आवास प्लस का डिमांड है और संतुष्ट है। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।